हमें अपने कैडर पर गर्व है कि तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद जिस तरीके के कल हालात पैदा हुए थे उसमें अपने अनुशासन को उन्होंने बनाए रखा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया लेकिन मर्यादा सीमा के अंदर। लेकिन मैं आशा करता हूँ राजनेताओं से भी कि उनको इस बात का आकलन जरूर होना चाहिए कि वो जहाँ भाषण करने जा रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, वो तपे तपाए हुए यूनियन के कार्यकर्ता हैं और वो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है इस देश में। तो इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को फिर बधाई देता हूँ और साथ इसके जो हमारे राजनेता हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो थोड़ा सा संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें तो बेहतर। रेलवे कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करने को से लेकर ठेकेदारी प्रथा के साथ ही रेलवे की कॉलोनी की बदहाल स्थिति को सुधारने की प्रमुख मांगों सहित 15 मांगों पर अधिवेशन चलाया जा रहा है। ईटीवी के लिए रितेश यादव।